उत्तराखंड राज्य के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र से होली के दिन की दुखद घटना सामने आ रही है, जहां बीटेक के दो छात्रों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें, दोनों देहरादून के एक शिक्षण संस्थान के छात्र थे और होली के दिन नहाने को शिवपुरी नमामि गंगे घाट पर आए हुए थे। इधर इस सूचना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला 12 वर्षीय आदित्य राज और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाला 22 वर्षीय उत्कर्ष दोनों अपने दोस्तों के साथ होली पर ऋषिकेश घूमने आए हुए थे। दोनों देहरादून DIT से बीटेक कर रहे हैं। बुधवार को सभी दोस्त शिवपुरी में नमामि गंगे घाट पर नहा रहे थे, तभी मस्ती करते हुए आदित्य राज और उत्कर्ष दोनों काफी आगे तक चले गए और तेज बहाव के कारण वह गहरे पानी में डूब गए। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद घटना की सूचना SDRF को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने देर शाम तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है। इस सूचना से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी खबर बिहार के बेगूसराय जिले से आ रही है, जहां एक महिला ने अपने पति की मदद से अपने प्रेमी की हत्या कर दी। आपको बता दें, मृतक रुपेश कुमार यादव का महिला से पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं महिला ने बुधवार को होली पर पार्टी के बहाने रुपेश को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मृतक के पिता नरेश यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि रुपेश को बुधवार सुबह करीब 11 बजे फोन आया, जिसके बाद वो घर से चला गया। परिजनों को लगा कि रुपेश अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा है, लेकिन जब काफी देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। नरेश यादव ने कहा कि गुरुवार को जब उसके कुछ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने खुलासा किया कि वो उस महिला के घर मटन पुलाव पार्टी करने गया था। जब वही नरेश वहां गया तो महिला और उसका पति घर में नहीं था, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहीं कुछ घंटों के बाद उसका शव प्रतापपुर गांव के पास एक सड़क किनारे मिला। वहीं जिले के डंडारी थाने के एक अधिकारी ने कहा, पारंपरिक जांच में पता चला कि उसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। मृतक के पिता ने शिकायत में महिला और उसके पति का नाम लिया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है। रुपेश की हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।